एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला। मैं डिटेलिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है, क्योंकि इस रिश्ते में हमने मिठास भी बहुत देखी है। एक टाइम पर आपने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था विराट कोहली को। देखिए ये सही बात है, शायद आपको पता ना पता हो, लेकिन विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर ने दिया था। लोग कह रहे देखा हुआ है हमने। देखिए मैं नॉर्मली अपने रिश्ते एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवाल मुझसे ना MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपको और MS धोनी का क्या रिश्ता है। जो रिश्ता मेरा MS धोनी का है वही रिश्ता मेरा और विराट कोहली का। देखो मेरी लड़ाई विराट कोहली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं है। लड़ाई सिर्फ मैदान के बीच की है। वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए। मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज्जत करता हूँ जिनके साथ मैं खेला हूँ, चाहे वो एक मैच खेले हों चाहे वो 100 मैच खेले हों। क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खेलना मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। जब आप अपने देश 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका सम्मान उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर उस खिलाड़ी का सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा जिन्होंने जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है। जी आप दोनों ही महान खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता, ऑफ फील्ड की बात करता हूं। एक बात बताइए, आप लोग वर्ल्ड कप खेलते थे, युवराज सिंह, मोहम्मद के, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब वो नाम जो कि भारतीय क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं, गौतम गंभीर, मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी कि हमने सुना कि युवराज सिंह खाने का ऑर्डर अपने हिसाब से करते थे, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहे तो। नहीं नहीं मैं भी बहुत 2007 में ये वीरेंद्र सहवाग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एक महीने हम साउथ अफ्रीका थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और शायद एक महीने मैंने और सहवाग ने इकट्ठे लंच और डिनर किया था और हमने एक ही ऑर्डर किया, सेम खाना, एक महीना एक ही खाना। वो जब भी मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया मैंने एक ही खाना ऑर्डर किया, कॉर्न पालक और दाल मखनी, दैट्स इट। ये मैंने 20 दिन सेम लंच और डिनर किए, 20 दिन। तो बोर नहीं होते थे आप खाने? मैं नहीं बोर होता था, वो बोर हो जाते थे। तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आज? बोलते थे, लेकिन वो एक क्योंकि मेरे को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था, क्योंकि वो मेरे रूम में ही आके खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इरफान पठान भी हैं, युवराज सिंह भी है, तो ज़्यादा खाने का शौकीन कौन था और घूमने का शौकीन कौन था, पार्टी का शौकीन कौन था? इरफान पठान बहुत खाने के शौकीन, अभी भी शौकीन है, इनफैक्ट अब ज़्यादा शौकीन होंगे क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कॉमेंट्री करता हूँ, तो वो कॉमेंट्री स्टूडियो में भी वो खाना मंगवाते हैं बाहर से, वो केक्स मंगवाते हैं, पेस्ट्री मंगवाते हैं, तो इरफान पठान को बहुत शौक है। मैंने सुना है वो एक दिन बिरयानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच था, बॉलिंग करनी थी, शायद सचिन तेंदुलकर ने उनको काफ़ी घूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो। नहीं वो खा सकते थे और उसके बाद उसी तरीके से गेंदबाजी भी कर सकते थे। जी चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, और पार्टी का शौकीन कौन था, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए मैं नहीं था। था कौन वो बताइए? युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, जहीर खान, बहुत बहुत खिलाड़ी, ऐसे नहीं है कि एक दो, बट युवराज सिंह कि उस तरीके की पर्सनालिटी थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडररेटेड, इसलिए कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ़ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह।